2025 ऐसा साल होने वाला है जहां एक मंथ भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप मार्वल का कोई कंटेंट नहीं देख रहे बेसिकली पूरा साल आपका MCU के मूवीज एंड शोज देखने में निकल जाने वाला है जिसकी शुरुआत होगी योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से जो कि 29 जनवरी 2025 में रिलीज होगी अब देखो इनिशियली ये जो शो था वो ऐसा बोला जा रहा था की ये एम के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी होगी टॉम हॉल्ड के स्पाइडरमैन को सुपर पावर्स कैसे मिले हैं ये यहाँ दिखाया जाएगा बट अब ऑफिशियली कंफर्म है की भाई नहीं ये अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी है पर हमें यहां फिर से इस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी का रिटेलिंग मिलने वाला है मतलब अंकल बेन को एक बार और मरना होगा oh! अगर क्यों? साथ ही इसके मल्टीपल सीजन प्लान किया गया है एंड इसमें स्पाइडरमैन के कई सारे विलेंस हमें देखने को मिलने वाले हैं कह सकते हो कि एमसीयू अपने स्टाइल में एनिमेशन के साथ स्पाइडरवर्स को यहां एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा देन 14 फरवरी को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज की जाएगी अब ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि एमसीयू में एडेमेंटियम मेटल की एंट्री इस मूवी से होने वाली है हाँ वही मेटल जिससे बुलबरीन के क्लॉज बने हैं तो हाँ कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एक्समैन का फ्यूचर यहाँ सेटअप किया जाएगा देन इनक्रेडिबल हल्क किस किस को याद है एमस की वो सेकंड मूवी थी तो हाँ वहाँ से द लीडर की स्टोरी आगे कंटिन्यू यहाँ होने वाली है रॉस को तो हल्क से लेकर तो स्टोरी हमें यहाँ आगे बढ़ते हुए देखेगी बेसिकली हर कैप्टन अमेरिका मूवी के जैसे यहाँ पॉलिटिक्स सेंटर पॉइंट होगा फोर मार्च को आप लोग देखना स्टार्ट करोगे वन ऑफ मोस्ट अवेटेड शो डेयर डेविल

बाद इसका सीजन टू भी आएगा और उसमें भी नौ एपिसोड्स होंगे एंड अप्रैल आपका ये शो देखने में पूरा निकल जाएगा एंड शो खत्म होते ही दो मई को रिलीज होगी थंडर बोर्ड्स अब ये सॉर्ट ऑफ एंटी हीरोज का टीम अप होने वाला है बहुत से सिनेरियोज़ में ये मूवी डायरेक्टली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से कनेक्टेड होगी क्योंकि इस मूवी के सेंटर पॉइंट है सुपर सोल्जर सिरम एंड इवन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी सुपर सोल्जर सिरम एक साइड प्लॉट होगा

स्टोरी कंटिन्यू होगी ब्लैक पेंथर वकांडा फॉर के बाद से जहाँ टोनी स्टार की जो फैन है रिरी विलियम्स न्यू आर्मर बनाकर एक फ्रेश स्टार्ट करेगी अब यहाँ यह क्योंकि हम यहाँ द हुड के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे तो सॉर्ट ऑफ टेक वर्सेस मैजिक यहाँ देखने को मिलेगा जहां तक मुझे पता है कि भाई एमसीयू फैंस इस शो से आयन मैन से रिलेटेड ईस्टर एग एंड रेफरेंसेस के लिए एक्साइटेड हैं। बस किसी तरह से टोनी स्टार्क के बारे में कुछ भी सुनने को मिल जाए तो भाई फैंस संतुष्ट हो जाएंगे इसमें टोटल छह एपिसोड्स रहेंगे विच मींस कि ये एंड होते होते जुलाई आ जाएगा एंड अगेन 25 जुलाई को रिलीज की जाएगी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ये मूवी एमसीयू में फैंटास्टिक फैमिली की एंट्री करवाएगी जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड इवेंट है कह सकते हो कि इस मूवी के लिए सारे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, डायरेक्ट अवेंजर्स डूम्स डे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो जाएगी और इसकी स्टोरी ऑब्वियसली मल्टीवर्स से ज्यादा कनेक्टेड दिखने वाली है जुलाई के बाद तुरंत 6 अगस्त को आइज ऑफ वकांडा रिलीज कर दिया जाएगा ये एक एनिमेटेड शो होने वाला है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है शो में हमें वकांडा के प्रीवियस सारे ब्लैक पैंथर्स को दिखाया जाएगा मतलब सॉर्ट ऑफ यर वकांडा की हिस्ट्री होगी एंड उस टाइम के डिफरेंट ब्लैक पैंथर्स के मिशंस को यहाँ एक्सप्लोर किया जाएगा इवन आय के कैरेक्टर का भी यहाँ अपियरेंस होने वाला है एंड वकांडा के और भी कई सारे सीक्रेट्स इस शो में रिवील होंगे आइज ऑफ वकांडा देखते देखते आपका सितंबर एंड हो जाएगा एंड अक्टूबर में मार्वल की फैन फेवरेट मार्वल जोम्बीज को रिलीज किया जाएगा वॉट इफ़ सीजन वन में मार्बल जॉम्बीज हमें दिखे थे जो कि तुरंत फैन फेवरेट हो गए थे एंड इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए डिमांड देखते हुए मार्बल वालों ने एक लिमिटेड मिनी सीरीज़ लाने का डिसाइड किया जहां हम उस स्टोरी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे एंड फाइनली अक्टूबर नवंबर में मार्बल जॉम्बीज एंजॉय करने के बाद दिसंबर में रिलीज़ होगा वंडरमैन अब इस शो के बारे में उतने डिटेल्स तो नहीं आए हैं पर हाँ अब्दुल मार्टीन यहाँ लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आपने इन्हें है में मैंटा में ब्लैक के कैरेक्टर कैरेक्टर देखा होगा देन ट्रेवर यानी कि फेक मैंडरिन का भी रिटर्न हो रहा है जिसे हमने सबसे पहले तो आयन मैन थ्री में देखा था एंड रिसेंटली शांकची में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल था एंड हमें यहाँ ग्रिम रीपर का कैरेक्टर भी दिखने वाला है स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होगी और शांची के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल यहाँ क्रिएटर होने वाले हैं बेसिकली 2025 का एक महीना भी ऐसा नहीं है एक दिन भी ऐसा नहीं है जहां आपको मार्वल का कंटेंट नहीं मिल रहा होगा पर्सनली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो फैंटास्टिक 4 फर्स्ट एप्स के लिए हूं आप किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना डीसी का अपकमिंग फ्यूचर जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड नेटफ्लिक्स का डेयर डेविल कैसे देखना है किस ऑर्डर में देखना है ये जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा टिल देन बी देसी बी नर्ड